प्रज्ञानं सुप्रतानै स्थिरचरविकरा व्याप्यभिर्व्याप्य लोकान् भूत्वा भोगांस्तविष्टान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान् पित्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। अथर्ववेदी में मांडुक उपनिषद पर विचार करते हुए अभी हम लोग प्रथम मंत्र पर विचार करें। कल हम उपोद्घात के बारे में थोड़ा उपोद्घात भूमिका बता दिया, आज उधर नहीं जा रहे हैं। कल यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे कि ओंकार नाम और नामी अभिन्न है, ये तो ठीक है, माना जा सकता है, क्योंकि जिस जो जिसको छोड़ करके नहीं रह सकते, मतलब कोई ना कोई रूप होगा तो उसका कोई नाम होगा, कोई नाम होगा उसका कोई रूप होगा, दोनों अभिन्न है तो मानते, परंतु ये ओंकार के शब्द दोनों का क्या संबंध होगा। इसलिए जो है ये ओंकार शब्द कैसे समझेंगे ब्रह्म को, तब बताया था कि ओंकार जो है क्या होता है कि ये जो है कि लक्षणावृत्ति के तरह ब्रह्म को समझाते हैं। लक्षण करने का जो संबंध चाहिए बोलता है लक्षक और लक्ष्य। लक्षक मतलब जिस पथ के द्वारा हम उस लक्ष्य वस्तु को समझाना चाहते हैं उसके साथ संबंध नहीं होने पर भी हम एक मान्यता देते आध्यात्मिक तादात्म्य संबंध मान्यता दे करके जो है हम उसको समझा। जैसे यहाँ पे बोले थे कि तत्र नास्ति ओंकार मात्रत्वम ओंकारेन लक्षणया तत् अवगम अंगीकार लक्षणावृत्ति से उसका बोध होता है, ऐसा हमने अंगीकार किया था, हम करते हैं। और यहाँ पे चार नंबर टिप्पणी भी कल पढ़ लिए थे, लक्षक पद अनुरुक्त बुद्धि बोध तो अभाव। लक्षक जो पद है उसके द्वारा जो बुद्धि में बोध होता है उसके साथ इसका सीधा संबंध नहीं होने पर भी लक्ष्य लक्षक पद अभेद भाव, तो लक्षक क्या करते हैं कि जो लक्ष्य दिखाते हैं उसके साथ अभिन्नता होता है। और हमारे सिद्धांत के अनुसार संसार में जो भी कोई वस्तु दिखाई दे रहा है वो एक ही अधिष्ठान के ऊपर ही दिख प्रतीति हो रहा है, अधिष्ठान समझ में नहीं आ रहा है परंतु उसको हम भिन्न रूप में समझ लेते हैं। जैसे वो दृष्टांत है कि एक पेड़ की शाखा है उसके पीछे चंद्र है, शाखा चंद्र नहीं यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं उसको, शाखा चंद्र नहीं बोल रहे। शाखा को अगर ओंकार बोले और वो ब्रह्म को लक्षित करे ऐसा हो सकता है? यहाँ पे नहीं, क्योंकि आप तो अब क्या देखो शाखा चंद्र नए बोलने के लिए आपको शाखा को मान्यता दे करके चंद्र को दिखा रहे हैं, हमें तो सब मान्यता को मिटाना है एक साथ, अभिधान अभिधान अभिदेव दोनों मिटाना है। श्रुति प्रोसेस को देखिए आप, श्रुति क्यों भाषा बोल लेंगे इसको, अब कल इसके ऊपर हम यहाँ तक भाष को पढ़ लिए थे, ठीक है ना, अब यहाँ शुरू होगा टीका शुरू होगा, तस्य इत्यादि श्रुति अवतार्य व्याकरति टीका में, ठीक है 1 2 3 4 5 6 लाइन बीच में देखिए, ठीक है मिला पेज 13 में, ये जहाँ तक हमने टीका पढ़ लिए थे उसके आगे तस्य इत्यादि श्रुति अब सप्तशना पे है, ओम इति एतद् अक्षरम् इदम् सर्वम् यहाँ तक हो गया। अब उसके आगे तस्य उपव्याख्यानम् अब इसका व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे बोलते हैं तस्य इत्यादि श्रुति अवतार्य व्याकरति, तस्य इस प्रकार से जो श्रुति है उस श्रुति का अवतरण करते हैं उसका व्याख्या करते हैं। तस्य अपने ऊपर भाष्य तस्य एतस्य परापर ब्रह्म रूपस्य अक्षरस्य ओम इति न ओम इति एतस्य उपव्याख्यानं ओम इति एतस्य उपव्याख्यानं, ठीक है ना। तस्य एतस्य मूल में है तस्य मतलब उस ओंकार जिसको कहा, और एतस्य मतलब उस सबके अंदर अनुसूत होकर बैठा हुआ है। तस्य एतस्य परापर ब्रह्म रूपस्य एतद् वै ओंकार सत्यम परम च ब्रह्म, जो परम ब्रह्म अपर ब्रह्म दोनों का प्रतीक है ना, अवलंबन है रूपस्य अक्षरस्य जो अक्षर रूपी ओंकार है ना, वो ओम इति एतस्य उपव्याख्यान, ये जो ओम शब्द है उसका उपव्याख्यान। अब देखिए उपो और व्याख्यानम पास पास से समझाना, अब देखिए अपने आप पहले लिख लिया, देखिए हम फिर इसको उपव्याख्यान शब्द का बताएंगे। ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्वा ब्रह्म बोध के लिए एक उपाय होने के कारण ब्रह्म समीपतया उपव्याख्यानम ब्रह्म उपशब्द का ब्रह्म समीपतया
विस्पष्टम प्रकथनम, विशेष रूप से स्पष्ट रूप से जो चम्मक कथन करते हैं उसको बोलते हैं उपव्याख्यानम। आगे बोलते हैं प्रस्तुतम वेदितव्य, ये यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है ऐसा समझना चाहिए। इतनी वाक्य से मतलब श्रुति में इतना वाक्य को जोर करके अर्थ करना पड़ेगा। व्याख्यानम शब्द व्याख्या करना, एक मिनट व्याख्या आपको पूरा बोलने तो फिर आप बोलो, हम आपको जो सब शंका को। अब व्याख्यान किसको बोलते हैं, ये होगा बी और आंख उपसर्ग पूर्वक ख्यायचक्षीयम धातु से लुट लुट प्रत्यय करके बनता है। इस सामान्य रूप से कोई व्यक्ति को कुछ बोलने के लिए बोलो वो कोई व्याख्यान नहीं होता, वो प्रवचन होता है, सत्संग होता है। व्याख्यान मतलब है किसी व्यक्ति ने किसी को कहा और उसको समझाने के लिए तब उपयोगी जो शब्द के हम कथन करते उसको बोलते हैं व्याख्यान। कोई एक विशेष वस्तु को समझाने के लिए, ध्यान रखना प्रवचन व्याख्यान सत्य सब अलग अलग अर्थ है। प्रवचन मतलब मन मन जो कुछ भी बोलते जाओ उसका, स्वार्थ मतलब आपको पंक्ति के अनुसार चलना पड़ेगा पंक्ति से इधर, और व्याख्यान मतलब होता है कोई एक विषय कोई एक चीज को किसी ने कहा, ध्यान रखने से व्याख्यान मतलब कोई एक चीज को किसी ने कहा वो सबको समझ में नहीं आया उसको समझाने के लिए उसके उपयोगी जो अन्य शब्दों को कहा जाता है उसको कहते हैं व्याख्यान, मतलब एक विशेष वस्तु का व्याख्यान करना समझा। तो यहाँ पे क्या कहा ओम, अब इस ओंकार को माध्यम से ब्रह्म को समझाना है, इसीलिए इस ओंकार को कैसे देखेंगे आगे बोलेंगे अकार उकार मकार तीन अवस्था, तीन वर्तमान जागृत स्वप्न सुषुप्ति अतीत वर्तमान भविष्य, इस प्रकार इसका व्याख्यान करेंगे। इसलिए मतलब ओंकार को अवलंबन करके ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए जितना शब्द की आवश्यकता है उतना श्रुति बोलेगी। इसको ये श्रुति का शब्द उपव्याख्यानम, अब हो गया ठीक है। अब देखिए द्वैतीय उपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा उप क्यों कहा, व्याख्यान शब्द समझ में आया कि ओंकार के माध्यम से ब्रह्म को समझने के लिए जितना मात्र वाक्य की आवश्यकता है वो श्रुति कहेगी, ठीक है पूरा यहाँ पे उतना ही मात्र श्रुति कहेगी। अब उपशब्द क्यों कहा, अब जो ओंकार का अनेक अर्थ होता है आपने त्रैतीय उपनिषद पढ़ा ओमिति अनुकृति ओमिति अनुज्ञा ओमिति संशति, और ओम शब्द बनते हैं कि अवरक्षण धातु से मतलब ओम मतलब मुझे रक्षा करो, इतना सभी का अर्थ है परंतु इसके द्वारा ब्रह्म की प्रतिपत्ति नहीं होगा। तो ब्रह्म को समझाने के लिए जितना शब्द उपव्याख्यान उप मतलब उस तत्व को समझाने के लिए नजदीक से समझे विस्पष्ट ब्रह्म समीप सम, मतलब ब्रह्म को नस्तिक रूप में समझाने के लिए जितना सब उसको कहेंगे ओंकार के अलग कितने सारे व्याख्यान उसको मिल जाएंगे उधर, इसलिए उपशब्द प्रयोग किया ये उप व्याख्यानम। प्रत्येक शब्द की श्रुति वाक्य की ध्यान देना तब आपको लगेगा कि श्रुति एक भी अनर्थक शब्द नहीं बोलती। देखो तैतरीय उपनिषद में ओम का कितना अर्थ कह दिया था, तैतरीय में वो हम यहाँ पर नहीं बोलना चाहते हैं, यहाँ पे तो आपका स्वरूप को बोध ब्रह्म मतलब हमारा स्वरूप को बोध कराने के लिए ओंकार से कैसे कहना है उसका व्याख्यान, नस्तिक से स्वरूप को समझाने के लिए उस शब्द को हम प्रयोग व्याख्यान करेंगे। किसने आप लिखते हैं प्रस्तुतम विस्पष्टम प्रकथनम उपव्याख्यानम, देखिए मतलब उपव्याख्यान शब्द का अर्थ क्या कर दिया ब्रह्म समीपतया विस्पष्टम प्रकथनम उपव्याख्यानम, योग्य उपव्याख्यान शब्द का परिभाषा ठीक है। और प्रस्तुतम वेदितव्य में कहाँ जोड़ना पड़ेगा तस्य उपव्याख्यानम प्रस्तुतम, उसको प्रस्तुत किया जाता है ना वेदितव्यम, यहाँ पे ऐसा समझना चाहिए इति वाक्य शेषो, कहाँ श्रुति में इतना अर्थ जोड़ना पड़ेगा भाष्यकार बोल रहा है। मन कभी कभी हमारा पास देखना टीकाकार लिखता है इति वाक्य शेष, कभी टिप्पणी का लिखती वाक्य शेष, मतलब जब किसके ऊपर टिप्पणी दिया उस वाक्य में इतना जोड़ करके अर्थ करना पड़ेगा, या भाष्यकार लिख रहे थे वाक्य शेष मतलब कहाँ पे होगा श्रुति में, हाँ ये इतना हिस्सा श्रुति में जोर करके आपको समझना पड़ेगा। तस्य उपव्याख्यानम प्रस्तुतम, तस्य उपव्याख्यानम मतलब ब्रह्म को नस्तिक से समझाने के लिए आपकी, क्योंकि ये ज्ञान का प्रकरण है अपने स्वरूप को ठीक से समझाने के लिए जो चीज की आवश्यकता है ओंकार की नस्तिक से व्याख्या करेगा विस्पष्ट रूप से व्याख्या करेगा, ये यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है प्रस्तुतम वेदितव्यम, वो जानना चाहिए समझना चाहिए इति वाक्य शेष, ये हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा ये प्रस्तुत किया जा रहा है इति वाक्य शेष ठीक है। तो उपव्याख्यानम इस चीज को ध्यान देना उपव्याख्यानम शब्द का क्या अर्थ हो गया, क्योंकि ओंकार की अनेक अर्थ होता है उस अनेक अर्थ में उन अर्थ का व्याख्यान हम नहीं करने जा रहे हैं,
हम केवल मात्र ब्रह्म स्वरूप का अपनी व्यापकता रूप स्वरूप को बोध करने के लिए जितना आवश्यक होता है उतना मात्र ओंकार की व्याख्या करेंगे। ओंकार का जो सबसे नजदीक का अर्थ है वो ब्रह्म के ओंकार की अनेक अर्थ है। ओंकार अनुकृति, ओंकार समृद्धि, ओंकार मतलब मेरे को रक्षा करो, उसकी व्याख्यान यहाँ पे नहीं होगा। उस व्याख्यान नहीं करूंगा, किसका व्याख्यान करूंगा? अपने स्वरूप को बोध करने के लिए ओंकार को कैसे श्रुति ने प्रयोग उतना व्याख्यान करूंगा। ये उपव्याख्यान, इसी प्रकार ओंकार यहाँ पे जो कहते हैं किस भी स्वरूप बोध के लिए कैसे उसका अर्थ होगा उतना मात्र व्याख्यान करें, इसलिए उपव्याख्यान है ना। उप और व्याख्यान मतलब क्या हो गया? मनमर्जी नहीं बोलना। ये जो श्रुति ने बोला ओम इति एतद् अक्षरम इदम् सर्वम्, बस इसी को समझाने के लिए हम कथन करेंगे उपव्याख्यानम। व्याख्यान मतलब क्या? किसी के द्वारा कुछ कहा गया और उस किसी के द्वारा कुछ कहा गया उसको समझाने के लिए जितना आवश्यक वाक्य है उसको कहते हैं व्याख्यान। बचपन से स्कूल में देखना लिटरेचर था, व्याख्या करो, एक्सप्लेन दिस लाइन, एक छोटा कोटेशन उठा करके एक्सप्लेन इट, मतलब पर्टिकुलर कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए जिसको खाली उसको कहते हैं व्याख्या। अब उसका अनेक अर्थ हो सकता है परंतु उस संदर्भ में जितना कथन करना उसको उपव्याख्यान, उसको उपव्याख्यान, ठीक है। ब्रह्म समीपतया विस्पष्टं प्रकथनं उपव्याख्यानं प्रस्तुतं वेदितव्यम् इति वाक्यशेषे। वाक्यशेष कहाँ पे होगा? श्रुति में। अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे आगे बोल रहे हैं भूतम इत्यादि श्रुतिम गृहीतां, ठीक है। भूतम इत्यादि श्रुतिम गृहीत्वा व्याचष्टे, आगे फिर क्या आता है? भूतम भवत् भविष्यति तत्सर्वम् ओंकार एव, ठीक है ना। भूत मतलब पास्ट, भवत मतलब प्रेजेंट, भविष्यत मतलब फ्यूचर। तो जो भी कुछ अतीत में था, जो वर्तमान में है और जो आगे होगा, मतलब क्या हो गया? जो काल के अंतपाती है, जो काल के अंतपाती है वो सब ओंकार ही है। यानी कि जो परिच्छिन्न किसको बोलते हैं, जब जब हम बोलते हैं कि कल यहाँ पे आई कैंप के डॉक्टर लोग आए थे, इसका मतलब क्या हुआ? आज यहाँ नहीं है, कल यहाँ पे वो व्यक्ति आया था, यानी कि आज नहीं आया। जब हमने था पास्ट प्रयोग किया, मतलब उसको प्रेजेंट एंड फ्यूचर से व्यवस्थित कर दिया, परिच्छिन्न कर दिया। सिमिलरली ये जब हमने ये कहा इट्स प्रेजेंट वर्तमान, यानी कि ये अतीत और भविष्य में रहेगा कि नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं बोलना। देवदत्त का पुत्र नहीं हुआ, मतलब क्या है? पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, आगे होने वाला है, काल के द्वारा परिच्छिन्न होता है काल के। यानी कि संसार में कोई भी वस्तु काल के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। अब जो वस्तु को जिसके बिना हम समझ नहीं पाते वो उसका स्वरूप भूत होता है, नाम नामी, ध्यान देना। यानी कि सब वस्तु काल स्वरूप, कोई भी वस्तु को कहने के लिए काल के सापेक्ष में आप बोलते हैं था, है अथवा होगा, यही तो बोलते हैं। व्यवहार करते समय हम काल के सापेक्ष में बोलते हैं, काल को छोड़ करके नहीं बोल सकते। यानी कि उस वस्तु के साथ काल अनुसूत है, वस्तु के साथ काल, जिस प्रकार नाम नामी से नाम नामी अभिन्न है, इसी प्रकार वस्तु के साथ काल भी अभिन्न है। पहले भगवान भास्कर क्या बोल क्या था, ये नाम और नामी को एक साथ कहने का अभिप्राय है कि एक को निषेध कर देंगे दो का निषेध हो जाएगा, अब थर्ड एक का निषेध करेंगे तो काल का भी निषेध हो जाएगा, काल ही आत्मा में कल्पित है। इसके लिए इस प्रकार इसलिए हम बोलेंगे टीकाकार, देखो पहले समझना इस चीज को, भूत भवत भविष्यति इति सर्वम ओंकार एव, भूत भविष्य वर्तमान सब ओंकार ही है, ठीक है। भूत भविष्य मतलब काल को बोल रहे हैं, काल भी ओंकारी है। अच्छा, काल एक वस्तु है, काल एक नाम है,
काल इंस्टाइल, काल एक वस्तु है, काल एक नाम है, तो नाम नामी रूप से भी ओंकार हुआ। और वस्तु दृष्टि से आपको इस वस्तु को देखेंगे आप, कोई भी वस्तु को जब आप डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली, यानी कि वस्तु काल से अभिन्न है। कोई भी वस्तु को आप डिफाइन करो, इतना साल पहले राम राजा हुए थे, आगे में कौन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा मुझे पता नहीं। कोई व्याख्यान करते समय काल के सापेक्ष में बोलते हैं, इसलिए काल से अभिन्न होने के कारण काल भी इसी प्रकार से एक साथ जुड़ा हुआ है। आप इसको नाम रूप को निषेध करोगे तो काल का भी निषेध हो जाएगा। काल भी आत्मा में कल्पित है, ब्रह्म में कल्पित है। इस अभिप्राय से आप यहाँ पे बोल रहे हैं पहले से, अब टीका काट लेंगे उसको समझाएंगे। अब परिच्छिन्नता समझ में आया, तीन प्रकार की परिच्छिन्नता होती है, काल परिच्छिन्नता, वस्तु परिच्छिन्नता, देश परिच्छिन्नता। देखो ये वस्तु परिच्छिन्न ये जहाँ पे है वहाँ पे ये नहीं है, चाहे ये बगल में है चाहे ऊपर में है, परंतु एक जगह पे नहीं रह सकता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका वस्तु परिच्छिन्नता। काल परिच्छिन्नता, एक आधा घंटा पहले भी ये वस्तु यहाँ पे नहीं था, अभी रखा हुआ है। और देश परिच्छिन्नता, इस देश में है यहाँ पे नहीं है, ये ढक्कन यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है। इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु के अंदर देश परिच्छिन्नता, काल परिच्छिन्नता, वस्तु परिच्छिन्नता, प्रत्येक वस्तु, ठीक है ना। ये परिच्छिन्नता के अभाव वाला को समझाने के लिए हमको परिच्छिन्नता को पहले समझाया जाता है। इस आप आइए यहाँ पे, भूतम इत्यादि श्रुतिम गृहीत्वा व्याचष्टे। आप देखिए क्या बोल रहा है ये टीकाकार, वाच्यस्य वाचको अभेदात् तस्य च ओंकार मात्रता इति उक्त न्यायः। यहाँ पे न्याय मतलब यहाँ पे क्या बोला कि भगवान भाष्यकार को देखिए, भूत भवत भविष्यत इति कालत्रय परिच्छेदम च तदपि ओंकार एव उक्त न्यायतः। अब उक्त न्यायतः मतलब जो युक्ति को पहले कहा गया है उसी युक्ति के आधार पर, उक्त न्यायतः भाष्यकार इतना लिख के छोड़ दिया। इस युक्ति के पहले क्या दिखाया गया कि नाम और नामी अभिन्न है, क्योंकि नाम रूप को छोड़कर के नहीं रह सकता, रूप नाम को छोड़कर के नहीं रह सकता। अब ठीक इसी प्रकार से ये नाम रूप काल को छोड़कर के नहीं रह सकता, जहां नाम रूप शुरू हुआ वहां काल। सदैव सोम इदम अग्रे आशित, जैसे सत शब्द प्रयोग किया आशित, इदम शब्द के साथ आशित शब्द प्रयोग कर रहे हैं। सदैव सौम्य इदम अग्रे आशित, इदम हे सौम्य हे प्रियदर्शन, इदम रूप में जो भी कुछ अभी दिखाई दे रहा है ना, ये इस रूप में दिखाई देने से पहले काल परिच्छिन्नता क्या वस्तु में ये सद रूप ही था, ये था प्रेजेंट पास्ट में ले गए ना, काल परिच्छिन्नता। इसलिए आप बोलते हैं, आप यहाँ पे भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जो प्रयोग किया, भूत भवत भविष्यत इति काल तय परिच्छेदम जब तदपि ओंकार एव, ठीक है ना, जो भूत भजन था ओंकार एव उक्तम, और वो एव बोलकर क्या बोलता है, उक्त न्यायतः, मतलब जो युक्ति पहले कहा गया है उसी युक्ति के आधार पर। के क्या युक्ति पहले कहा गया है, जो वस्तु जिसको ना, हाँ, जो वस्तु जिसको छोड़कर अभिव्यक्त तो नहीं हो सकता उसका स्वरूप उसके साथ मिला रहता है। जो वस्तु को जिसको बिना अभिव्यक्त तो नहीं कर सकते, कोई वस्तु को नाम के बिना अभिव्यक्त तो नहीं कर सकते, इसलिए नाम रूप अभिन्न है। और कोई वस्तु को अभिव्यक्ति काल के बिना भी नहीं हो सकता है, इससे काल न्यायतः। इसलिए काल और काल द्वारा परिच्छिन्न वस्तु, परिच्छिन्न वस्तु अभिन्न है, परंतु वस्तु का निषेध हो जाएगा, काल का भी निषेध हो जाएगा, काल का भी निषेध हो जाएगा। ये अभिप्राय, इस अभिप्राय को मन में रखते श्रुति ऐसा चल शुरू किया है भगवान भाषण, अगले नहीं बोलेगा, अगला भाषण में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो बोल रहे हैं ना, यहाँ पे बोलना उक्त न्यायतः, जो युक्ति पहले कहा गया है उसी युक्ति के आधार पर। मंडूक कार्य का बहुत सावधानी के साथ चलना है, प्रत्येक शब्द का विशेष अर्थ है यहाँ पे, तो यदि उसके इसमें अगर आप समझ जाएंगे ना तो बाकी आप उपनिषद आगे आराम से समझ में आएगा प्रत्येक शब्द का अभिप्राय। यहाँ पे क्या बोलते हैं, वाच्य, टीका में क्या बोल रहे हैं, वाच्यस्य वाचको अभिधा, वाच्य और वाचक में अभिन्नता दिखाया, मतलब नाम और नामी अभिधा नभिधा अभिन्नते। और फिर क्या बोलते हैं, तस्य च ओंकार मात्रता वाच्य और वाचक दोनों ओंकार रूप दिखाया था, इसलिए इति उक्त, ये जो पहले कहा गया उसी को ही न्याय उक्त न्याय, यही हमारी युक्ति है, यही हमारी युक्ति है न्याय। अच्छा, ये तो काल की अंतोपाती वस्तु हुआ, क्योंकि ओंकार के है परम च अपरम च ब्रह्म, अपर ब्रह्म के बारे में तो हो गया, परम ब्रह्म रूप भी वही है,
अब उसके बोलते आगे देखिए टीका में आ जाइए अभी टीका में। काल त्रयातीतम ओंकार ओंकार और अतिरिक्तम जड़ वस्तु नास्ति एव प्रमाण अभावादिति आशंक। अब हमारे पास जो भी कोई वस्तु दिखाई देती है तो सब काल के घेर में है। तो काल को छोड़ करके तो मतलब इसको छोड़ करके कोई वस्तु रह नहीं सकता ऐसा संकल्प उत्पन्न होगा। काल को छोड़ करके कोई वस्तु रह नहीं सकता ऐसा संकल्प मतलब शंका मन में होने पर श्रुति बोलते हैं नहीं एक वस्तु है जो काल से परे है। जो काल से परे से भी कोई वस्तु नहीं होता तो काल किस परिवर्तन को कौन प्रमाणित करता। काल में कहें जो काल नामक कोई वस्तु है कोई व्यक्ति है इस व्यक्ति यहाँ पे है इसको समझने के लिए इस व्यक्ति के आवागमन इसके पूर्व में और बाद में यदि कोई व्यक्ति नहीं रहता तो कौन प्रमाणित करता इसको। ठीक है ना। ये काल भी उत्पत्ति होती है इसको देखने वाला कोई है इस काल के पीछे जो काल के घेरे में नहीं है। मतलब हमारे मन में क्या आता है कि सारा वस्तु काल के घेरे में है इस शंका होने पर श्रुति कहते नहीं नहीं इसके पीछे एक तत्व है जो काल के घेरे में नहीं आता तभी काल के इस परिवर्तन को समझना। इफ यू वांट टू थिंक एनी चेंज देयर मस्ट बी अ चेंजलेस। इफ यू वांट टू ऑब्जर्व अ चेंज देन देयर मस्ट बी अ चेंजलेस। नहीं तो आप चेंज को कभी भी आप समझ नहीं सकते क्या क्या पर ठीक से समझना चाहते हैं तो इसलिए आप बोलते हैं कि यहाँ पे काल त्रयातीतम ओंकार अतिरिक्तम काल त्रय से व्यतिरिक्त ओंकार से भिन्न करके क्योंकि हमने पहले ही बोला ओंकार शब्द हम अवलंबन लिया अपन तो ओंकार ब्रह्म नहीं है। ओंकार से भिन्न करके जड़ वस्तु नास्ति एव जड़ वस्तु इसलिए बोलते हैं माया अव्यक्त उपाधि को लेकर के बोल रहे हैं नास्ति एव प्रमाण प्रमाण से नहीं प्रमाण इति आशंका आह इसको शंका करके उत्तर बोलते हैं नहीं नहीं। अब देखिए मूल में क्या है जच्च अन्न त्रिकालातीतम तदापि ओंकार एव तीन काल से परे जो वस्तु है वो भी ओंकार ही है कालत्रय से भिन्न भी ओंकार ही है। जच्च अन्न त्रिकालातीतम जो तीन काल से परे हैं भाष्य में ये कैसे समझेंगे आप कालत्रय के पीछे जो वस्तु बैठा हुआ है यदि ऐसा कोई उसको जानने के लिए फिर एक वस्तु कब चाहिए तो अनवस्था दोष होगा इसीलिए बोलते हैं उसको इसलिए कार्य हाँ कार्य देख करके कारण को समझ सकते हैं क्योंकि कोई चेंज को दो देख रहा है उस चेंज को देखने के लिए कोई एक चेंजलेस चाहिए नहीं तो हो नहीं सकता। ये मैं जब ही कोई दृश्य जहां तक आपका दृश्य कोटि में आता है दृष्टा नहीं दिखाई देने पर भी वहां पे कोई दृष्टा है नहीं तो दृश्य नहीं समझ में आता देयर मस्ट बी अ दृष्टा। इसी प्रकार काल की झमक परिवर्तन को समझने के लिए कालातीत वस्तु है इसलिए कार्याधिगम्य हमारे ये देखिए विवेक चूड़ामणि में अब भगवान शंकराचार्य जो माया अव्यक्त को लेकर के लिखते हैं अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका पर वो अनादि है वो अविद्या है त्रिगुणात्मिका है असृष्ट है कार्यानुमेया सुधैव ज्ञेया परंतु उसको देखा नहीं जा सकता। अगर आप कोई व्यक्ति सोचते हैं क्या सोचते हैं कि मैं भगवान कैसे सृष्टि करते हैं वैसा मैं देखूंगा देख सकते कि नहीं देख सकते। अरे भाई जब आप सृष्टि के अंत पाती हो तो सृष्टि करता कैसे कैसे देखोगे। एक मजे की बात बोल रहा हूँ किसी के घर में मेरे को कभी भोजन के लिए निमंत्रण किया था वो उनकी मतलब जो बड़ी बहन की कोई बोल रहे थे कि इनकी शादी में ऐसा ऐसा हुआ हम लोग इतना इतना किया तो आइसक्रीम भी उनके साथ आइसक्रीम खेला था। उनकी जो लड़की है वो वहाँ बैठी हुई थी छोटी थी उनको आइसक्रीम बहुत पसंद है तुरंत बोल पड़ा मेरे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया आपने आइसक्रीम खाने के लिए। छोटी बच्ची है उनको क्या समझ अब बताओ उसको क्या मतलब वो तो उनकी लड़की है मतलब जिनकी शादी उनकी लड़की है वो वहाँ पे कैसे आ सकते हैं तो कारण की बात कार्य है नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार से हम कभी सोचे कि मैं सृष्टि करते हैं सृष्टि को देख लूँ ये होना संभव नहीं है परंतु कोई सृष्टि करता है समझ सकते हैं।